रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। रिपोर्ट में मीडिया को दबाने के लिए सरकार किस वेपन का इस्तेमाल करती है उसका खुलासा आज के इस रिपोर्ट में किया जाएगा, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। स्वतंत्र मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया को चुप कराने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है सरकार। इसका खुलासा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। यह खुलासा विस्फोटक है। पूरा मामला, पूरा माजरा बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, बस यही अपील है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाई है। नेशनल मीडिया यानी टीवी मीडिया पर मोदी मोदी की रट, ये सारे एंकर्स लगाते रहते हैं। नेशनल मीडिया मोदी की पीआर टीम बन गई है, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो हमारे जैसे मीडिया है, जो सच दिखाने की क्षमता रखता है, सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया है, उनको दबाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। अपने एनडीटीवी और रविश कुमार का मामला देखा था, उन्हें चुप कराने के लिए सरकार अब धड़ल्ले से झूठ बोलती है, झूठा आरोप लगाती है उन पर, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे आरोप लगा करके उनके आवाज को दबाने की काम सरकार कर रही है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स WANIFRA ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया कि सरकारों द्वारा प्रेस और इंडिपेंडेंट मीडिया को चुप कराने के लिए फाइनेंशियल क्राइम यानी वित्त से जुड़े क्राइम के झूठे आरोप उन पर सरकार लगा रही है और सरकार दबाव बना रही है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स रिपोर्ट जो है, उसका जो हेडलाइन है वो ये है कि प्रेस को चुप कराने, धमकाने और हमला करने के लिए आर्थिक आरोपों का दुरुपयोग, केस स्टडीज की समीक्षा। इस रिपोर्ट में 8 ऐसे केसेस की बात की गई है जिसमें सरकार, जो बीजेपी सरकार है, मोदी की सरकार है, वो इंडिपेंडेंट मीडिया को चुप कराने के लिए झूठे आरोप लगाए और उनकी स्वतंत्रता पत्रकारिता के लिए उन्हें टारगेट किया, जिसके बाद सरकार को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि वो रिहा हो गए, बरी हो गए। इस रिपोर्ट में ये बताया गया, ये दावा किया गया, सरकारों ने जो चार्जेस इंडिपेंडेंट मीडिया को चुप कराने के लिए सबसे ज्यादा लगाया, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, ब्लैकमेलिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेररिज्म फंडिंग, गैर कानूनी तरह से विदेश से फंड इकट्ठा करना, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आर्थिक आरोप जो है, झूठे आरोप, आर्थिक आरोप सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं इन केसेस में देखा गया। आर्थिक आरोपों के चलते जेल उन्हें जाना पड़ा, मीडिया जो है, मीडिया पर एक गहरा प्रभाव डाला कहीं ना कहीं। दूसरा असर इसका यह है कि क्योंकि आर्थिक अपराध जो है वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए केसेस में लंबे समय तक जेल और भारी जुर्माना लगता है। इसकी वजह से इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस को नुकसान होता है, यानी इंडिपेंडेंट मीडिया को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है ताकि उनका मुंह सरकार बंद कर सके, वो सरकार से सवाल ना पूछ सके। जिन केसेस में फंसाया जाता है इंडिपेंडेंट मीडिया को, उससे उस केसेस से वो बाहर ना आ सके, उनके बैंक खातों को, अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, इन अकाउंट्स का एक्सेस उनसे ले लिया जाता है, और इसके चलते क्या होता है कि जब वो बाहर भी आते हैं ना, वो पत्रकार, वो दोबारा उस चैनल को खड़े नहीं कर पाते, उनके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसों की कमी हो जाती है। ऐसे आरोपों का मकसद पत्रकारों को क्रिमिनल के रूप में पेश करना होता है, जनता का समर्थन इस मीडिया हाउसेस के प्रति खत्म करने का होता है और पत्रकार या मीडिया आउटलेट की छवि पर हमला करना होता है। जो सत्ता से सवाल पूछेगा उस पर ही हमला कर दो। न्यूज क्लिक का मामला इसी से जुड़ा हुआ है। न्यूज क्लिक ऑफिस में 2021-2023 में छापेमारी हुई थी, फिर इसके संस्थापक जो है प्रवीर पुरकाश्त और ह्यूमन रिसोर्सेस प्रमुख अमित चक्रवर्ती को ये जो मीडिया पोर्टल है इसके संदिग्ध में इस तरीके से पाया गया, इस तरह से केस को सजाया गया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, जिसके बाद चाइना से फंडिंग हो रही है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। इस रिपोर्ट का कहना यह है कि चार्जेस जो है उन पे इसलिए लगाए गए क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछ रहे थे,
ये दावा हम नहीं कर रहे, रिपोर्ट कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह चिंताजनक है कि ऐसे मीडिया हाउसेस को चुप कराने के लिए आतंकवाद की गंभीर धाराएं लगाई जा रही है। यानी सिर्फ मुसलमानों पर यूएपीए लगाना या आप कह सकते हैं मुसलमानों को देशद्रोही कहते हुए, जैसे उमर खालिद अभी भी जेल में है, उनके धर्म का इस्तेमाल करके या किसी विशेष कम्युनिटी से है, इसे देखते हुए उन पर बड़े आसानी से यूएपीए लग जाता है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है और उनको जेल में ठूस दिया जाता है। बाद में वो कब बाहर आएंगे इसका अता पता किसी को नहीं चलता। कार्रवाई होती है और डेट पे डेट मिलता है, तारीख पे तारीख, यही चलता है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। इसके अलावा विपक्ष के लिए बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष में है, शायद बगावत कर सकते हैं, या विपक्ष में है, ऐसे नेताओं पर पीएमएलए लगाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत अब बाहर नहीं आ सकते किसी भी सूरत पे। वो बहुत ही एक कठोर कानून है जिसके चलते आपको अंदर रखा जाए। अब मीडिया के लिए क्या किया जा रहा है, मीडिया के लिए ये दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मीडिया सच बोलता है, जो मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है, उनके लिए दो काम। एक, पीएमएलए कानून का इस्तेमाल, ऊपर से उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटी करने का एक्ट लगाया जाता है, जो यूएपी है, जो खतरनाक एक्ट जिसे माना जाता है, वो भी लगाया जाता है। अब दोस्तों, यूएपीए पीएमएलए लगा करके एक एंटी टेररिज्म कानून है, उसे भी लगाया जाता है। यानी पत्रकारों के लिए, स्वतंत्र पत्रकारों के लिए चौतरफा उघिरते जाते हैं। आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि दिल्ली पुलिस सरकार किस तरीके से आम जनता की जो आवाज़ है, वो जो चैनल उठाता है, उस पर इस तरह का काम करता है। अभी हाल ही में दी हिंदू के पत्रकार महेश लांगा पर पहले तो जीएसटी के तहत टैक्स चोरी करने का आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उनके ऊपर सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको गैरकानूनी तरीके से रखने का एफआईआर भी लिखा गया। वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से संबंधित है। अब आप सोचिए कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और अडानी के बीच होने वाले समझौते, जिसके तहत अडानी को गुजरात में पोर्ट्स कंट्रोल करने दिया जाएगा, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो डॉक्यूमेंट उनके पास पाया जाता है और उस पर वो स्टोरीज बनाते हैं, उन पर फर्जी केस बनाया जाता है, फर्जी आरोप लगा करके। साहिब, आखिर किसको बचाने का काम कर रहे हैं? जो पत्रकार अडानी से सवाल पूछते हैं, जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते हैं, ऐसे बहुत खबरें हम आप तक नहीं पहुंचा पाती है, खबरें बाहर आती ही नहीं है। ऐसे बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स हैं जो शायद अडानी पर काम कर रहे हैं, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, जो सेठ और साहिब की जो गठजोड़ है उस पर शायद स्टोरीज बनाते हैं, उन्हें फटाफट चुटकी मार मार के जीएसटी, इनकम टैक्स, तमाम केसेस में उन्हें फंसाया जाता है और बाद में उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। यही खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है कि विपक्षी नेताओं को छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन लीडर्स को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ सरकार लेन देन करती है, इसमें ये कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। लेकिन छोटे पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो छिप करके अच्छा काम करना पसंद करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, उनको भी रास्ते से हटाने के लिए, जो शायद सरकार के खिलाफ किसी स्टोरी पर काम कर रहे हो, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन पर पुलिस, ईडी तो नहीं कहेंगे, पुलिस हो गया, उनके तमाम तरह के केसेस में फंसाया जाता है, इनकम टैक्स के केसेस में फंसाया जाता है, क्योंकि आम आदमी के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, इन तमाम केसों में फंसाना आसान है। अब दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? जिस तरीके से नेशनल मीडिया आज गोदी मीडिया बन गया है और जो सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता रखता है, उन मीडिया पर इस तरह का दबाव है, उन्हें भी इन चुंगल में कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिन वेपन्स का इस्तेमाल सरकार कर रही है, नेशनल मीडिया के बाद जो इंडिपेंडेंट एक पैरेलल मीडिया बनी है, उसको खत्म करने का प्रयास जिस तरीके से मोदी सरकार कर रही है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ये दावा हम नहीं, ये रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर आपकी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और देशनीति अपनी आजाद पत्रकारिता को जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, आगे शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।